वेलकम टू सिंधवाल क्लासेस बेटा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एल्गी के बारे में डिस्कशन किया था कि एल्गी के क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है, एल्गी के बारे में पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, माइसीलियम उसका कैसा होता है, कहाँ रहती है, हम सब कुछ हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ एल्गी। ठीक है बेटा, एल्गी को हमने क्लासेस में, तीन क्लासेस में डिवाइड किया है और आज ये एक चार्ट है, इसके बेसिस पे आज मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी कि जो एल्गी होती है उसको हमने थ्री क्लासेस में डिस्क्राइब किया है। दैट इज़ अ क्लास वन क्लोरोफाइसी एंड क्लास टू दैट इज़ रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी। ठीक है, तो पहला क्लास जो हमारा है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी को बेटा ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, तो उसको हमने किस में डाल दिया, क्लोरोफाइसी, ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी का जो खास बात क्या है कि क्लोरोफिल तो इसमें प्रेजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ द मेजर पिगमेंट। ठीक है, इनके जो कलर्स हैं, जैसे ग्रीन एल्गी है वो हरे रंग की होगी, जो ब्राउन एल्गी है वो ब्राउन कलर की होगी, उसको हमने फियोफाइसी में डाला, रेड एल्गी रेड कलर की होगी, उसको हमने रोडोफाइसी में डाला है। जो क्लासेस हमने बनाई हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजर पिगमेंट। अगर वहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड बी है तो यानी वो हरे रंग की होगी तो वो ग्रीन एल्गी हो गई। ठीक है, अगर फ्यूकोजेंथिन बीटा कैरोटिन क्लोरोफिल ए एंड सी है तो आपकी वो ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी हो गई। और इसी तरह से जब आपका रोडोफाइसी जो हमने बनाया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड द फ्यूकोजेंथिनिन। ठीक है, जो हमने रोडोफाइसी बनाई है बेटा दैट इज रेड एल्गी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन फाइकोसाइनिन एंड एलोफाइकोसाइनिन एंड कैरोटिनॉइड। लेकिन जो रेड की एल्गी का आपका रेड कलर होता है, रेड एल्गी का, दैट इज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन की वजह से आपकी एल्गी का कलर रेड होता है। तो अगर हम कह सकते हैं कि जो हमने तीन क्लासेस बनाई हैं वो हमने उनके पिगमेंट के बेसिस पे बनाई हैं तो ये एकदम सही है, क्योंकि उनके जो कलर्स हैं वो उनकी क्लासेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, तो अब पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द क्लोरोफाइसी। अगर क्लोरोफाइसी में हम इन क्राइटेरियाज को स्टडी करेंगे, पहला तो क्राइटेरिया है स्ट्रक्चर, दूसरा क्राइटेरिया है अक्रेंस, ये कहाँ मिलते हैं, तीसरा क्राइटेरिया है मेजर पिगमेंट, इसमें कौन से पिगमेंट मिलते हैं, और चौथा क्राइटेरिया क्या है, फूड मटीरियल, कि इनके अंदर जो फूड बनता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस फॉर्म में होता है, और ये हम अपने पहले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि जो आपका रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में वो कितने टाइप्स का होता है और कौन कौन सा होता है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट क्लास दैट इज क्लोरोफाइसी। पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऑल आर यूनिसेलर यानी एक सेल से बने हुए हैं, कॉलोनियल है और सिनोबियल। सिनोबियल का मतलब क्या होता है, कॉलोनी में, जो एल्गी आपकी कॉलोनी में रहती हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, कॉलोनियल आपकी एल्गी होती हैं। और जो सेल वॉल होती है वो कैसी इनकी बनी होती है, सेलुलोजिक, सेलुलोज की एंड पेक्टिक की बनी होती है, और ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो फ्लैजिला का नंबर है दैट इज 2 to 4, दो या चार, दो से लेके चार तक फ्लैजिला हो जाते हैं, और लेकिन फ्लैजिला जो होंगे सारे के सारे इक्वल साइज के होंगे, यानी कोई फ्लैजिला छोटा या बड़ा नहीं होगा। अगर मैं स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे से होंगे, इक्वल साइज के आपके फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, दो से चार उसके नंबर हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपका अक्रेंस है ये कहाँ मिलते हैं, मोस्टली आर द फ्रेश वाटर, जैसे आपका स्पायरोगायरा यूलोथ्रेक्स, ये आपके कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। अ फ्यू आर द मरीन फॉर्म, मरीन फॉर्म इसमें है लेकिन कम होते हैं, मैक्सिमम आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर। ठीक है, एंड ये मार्क टेंडेंसी टुवर्ड्स द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब ये वाटर में तो ज़्यादा मिलते हैं लेकिन ये कहीं कहीं ज़मीन पे भी मिलते हैं, इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये ज़मीन पे भी ग्रो कर सकते हैं। और इसमें जो मेजर पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, हरा होता है, ग्रीन कलर के ये होते हैं,
दैट इज द क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, और दैट इज कैरोटीन एंड जिंथोफिल, ये अदर पिगमेंट्स होते हैं बेटा। ऐसा नहीं है कि ये आपके पिगमेंट एक्स्ट्रा हैं, ये एक्स्ट्रा नहीं होते हैं, ये पिगमेंट भी फूड सिंथेसिस का काम करते हैं, ये पर ये अपनी अपनी वेवलेंथ की सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है। इनका काम भी फूड का सिंथेसिस करना ही है, लेकिन ये भी अपनी ही वेवलेंथ की जो सनलाइट आती है जिसको ट्रैप करके ये खाना बनाते हैं, तो अपनी वेवलेंथ की जिसको ये ट्रैप कर सकते हैं, बस उसी वेवलेंथ की सनलाइट को ये ट्रैप करते हैं। और इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे आपका पत्ती है, जैसे लीफ होती है, वो खाना कहाँ स्टोर करती है, इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च स्टोर करती है, उसी तरह जो एल्गी होते हैं वो भी ट्रू स्टार्च एंड शुगर बनाते हैं, क्योंकि ये ट्रू एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, इसलिए इसमें फूड भी क्या होता है, स्टार्च एंड शुगर होते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन तीन तरह से हो सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड फिशन। सपोज ये माइसीलियम है, ठीक है, ये फंगल माइसीलियम है, ये पार्ट्स में टूट गया, फ्रेगमेंट्स में टूट गया, और इसने इन फ्रेगमेंट्स ने एक नया एल्गी फॉर्म कर लिया, तो दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज बाय द जूस्पोर। मैंने आपको बताया था जो जूस्पोर होते हैं दैट आर द मोटाइल स्पोर एंड हैविंग द फ्लैजिला, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज आइसोगैमस होता है। आइसोगैमस मतलब जो दोनों गैमिट्स होंगे वो सेम साइज के होंगे, तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दैट इज बिटवीन द सेम साइज ऑफ द गैमिट, सो दिस कंडीशन इज नोन एज आइसोगैमस। और इसको हम एडवांस ऊगैमस भी कह सकते हैं। ऊगैमस में क्या होगा, एक एंथ्रीडिया होगा, एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइट निकलेंगे जो मेल पार्ट है, ऊगोनिया में एग होगा, एंथ्रीडिया जाके ऊगोनिया को क्या कर देंगे, उसके अंदर जो एग है उसको फ्यूज कर देंगे, एंड वहां पे जो रिप्रोडक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो लेकिन जो ऊगैमस है वो इसमें एडवांस है, लेकिन बेसिकली कैसा मिलता है, आइसोगैमस जो फ्यूजन होता है गैमिट्स का वो सेम साइज के गैमिट्स होते हैं। ओके, नाउ सेकेंड इज द फियोफाइसी। अब फियोफाइसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी हम क्यों कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्यूकोजेंथिनिन, ठीक है, इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, फ्यूकोजेंथिनिन मेन पिगमेंट है, जिसकी वजह से इसका कलर आपका ब्राउन कलर के होते हैं। तो ये इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, फिलामेंटस होते हैं, पैरेन्काइमेटस होते हैं, जो स्ट्रक्चर जो इसकी सेल वॉल है वो सेलुलोज एल्जिनिक एंड फ्यूसिनिक एसिड की बनी होती है, ठीक है, इसकी सेल वॉल दैट इज डिफरेंट फ्रॉम हेयर। जो क्लोरोफाइसी है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिक की बनी है, यहाँ पे सेलुलोज एल्जिनिक एंड फ्यूसिनिक एसिड की बनी होती है। इसमें मोटाइल सेल्स होती हैं विथ टू लेटरल फ्लैजिला, यहाँ पे जो फ्लैजिला होगा वो लेटरली प्रेजेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे फ्लैजिला के जितने होंगे दैट इज ओनली टू फ्लैजिला। यहाँ पे जो थे क्लोरोफाइसी में दो से चार फ्लैजिला हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे दैट नंबर इज फिक्स कि दो से ज़्यादा या दो से कम फ्लैजिला नहीं होंगे। पर अक्रेंस की बात करें तो जितने भी ब्राउन एल्गी हैं सब समुद्र के अंदर मिलते हैं, सारे के सारे मरीन फॉर्म होते हैं, कोई भी आपका फ्रेश वाटर में नहीं मिलता है, सारे के सारे कहाँ मिलते हैं, दैट इज इन मरीन फॉर्म। पिगमेंट की बात कर ली थी हमने, फ्यूकोजेंथनिन है, उसी की वजह से इसका कलर क्या है, ब्राउन है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ब्राउन एल्गी बोल दिया, और हमने किस क्लास में डाल दिया, फियोफाइसी में डाल दिया। अब इसके अंदर जो फूड बनाते हैं ये तो ट्रू आपका स्टार्च बना रहे हैं भैया, क्लोरोफिल ए एंड बी है तो ट्रू स्टार्च एंड शुगर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका क्लोरोफिल ए एंड सी है, तो इसमें जो फूड स्टोर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द लेमिनेरिन एंड द मैनिटॉल। ये जो लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल है बेटा, लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, जैसे स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट है वैसे ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये कैसे कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ओके, और यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है दैट इज बाय द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जब भी कोई एल्गी में ब्रेकडाउन होता है, एल्गी के कोई भी पार्ट्स टूट गया, माइसीलियम टूट गए, और वही माइसीलियम जर्मिनेट करके जब एक नई एल्गी बना लेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन, यानी कोई पार्ट टूट के फ्रेगमेंट उसका टूट के अलग हो गया, फिर वो जर्मिनेट कर गया, उससे नया बन गया, तो उसको हमने क्या बोला, फ्रेगमेंटेशन। और एडवेंटिशियस ब्रांचिंग,
एडवेंटिशियस ब्रांचिंग क्या होती है, जब माइसीलियम में एक्स्ट्रा ब्रांचिंग होती है और वहाँ की वजह से एक नया माइसीलियम फॉर्म होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस ब्रांचिंग इज अ काइंड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों तरीके से हो सकता है, एप्लैनोस्पोर एंड जूस्पोर। देखो बेटा, ये जो एप्लैनोस्पोर और जूस्पोर है ना, इनको हम स्पोरेंजियोस्पोर भी कहते हैं। इनको किसके में अंदर डालते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर। दो टाइप के होते हैं, एक होता है जूस्पोर और एक होता है एप्लैनोस्पोर। ठीक है, जो जूस्पोर होते हैं इसके अंदर फ्लैजिला होते हैं, इसमें क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, जबकि एप्लैनोस्पोर पे फ्लैजिला नहीं होते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है कि जो एप्लैनोस्पोर है इस पे कोई भी फ्लैजिला नहीं होगा, लेकिन जूस्पोर पे फ्लैजिला होते हैं। और ये किसके फॉर्म है, स्पोरेंजियोस्पोर के फॉर्म है। अगर स्पोरेंजियोस्पोर्स की अगर हम बात करें तो स्पोरेंजियोस्पोर्स टू टाइप के होते हैं, जूस्पोर एंड एप्लैनोस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज आइसोगैमस, यानी दोनों गैमिट्स कैसे होंगे, सेम साइज के होंगे, तो आइसोगैमस। ऊगैमस मतलब एक मेल गैमिट होगा और एक क्या होगी, फीमेल गैमिट होगी। फीमेल गैमिट कहाँ से आएगी, ऊगोनिया से आएगी, और जो मेल गैमिट होगा वो कहाँ से आएगा, एंथ्रीडिया से आएगा। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का जो कलर रेड है वो कहाँ से आया है, इसकी वजह से आया है, दिस इज फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, इसका पिगमेंट क्या है, फाइकोएरिथ्रिन है। इस फाइकोएरिथ्रिन की वजह से इसका रंग क्या है, लाल है। ठीक है, तो अगर हम इसके बात करें हैबिटेट की, तो ये भी क्या होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, लेकिन इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, सेलुलोजिक एंड पैक्टिक होती है। ठीक है, मोटाइल सेल्स इसमें पता नहीं है कि होती हैं या नहीं होती, इट्स नॉट नोन, बट पायरीनॉइड्स इसमें होते हैं। पायरीनॉइड्स क्या होते हैं, पायरीनॉइड एक स्टोरेज ऑर्गन होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर एक स्टोरेज ऑर्गन होते हैं, जहाँ पे आपका फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पायरीनॉइड। ठीक है, तो पायरीनॉइड होते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, और समटाइम एम्बेडेड होते हैं इन द स्टॉक, जो स्टॉक होती है उसके अंदर ऐसे धंसे हुए होते हैं। ठीक है, तो पायरीनॉइड समझ गए, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्टोरेज ऑर्गन होते हैं जो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। तो मोस्टली आर द मरीन, ये भी आपके मरीन है, सारे समुद्र के अंदर मिलते हैं, डीप सी में मिलते हैं। ठीक है, ये आपके कहाँ मिलेंगे, डीप सी में मिलते हैं, और ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे पानी थोड़ा गर्म होता है। ऐसा नहीं कि खौलता हुआ पानी होगा, बल्कि इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस ऑफ द सी, जहाँ पे पानी हल्का गर्म होगा वहाँ पे ये ज़्यादा मिलते हैं। और इनमें जो मेन पिगमेंट है दैट इज़ द फाइकोएरिथ्रिन एंड द फाइकोसाइनिन। इसकी खास बात पता है क्या होती है, जो रोडोफाइसी होते हैं जब ये समुद्र के ऊपर तैरते हैं तब तो ये नीले रंग के होते हैं, लेकिन जब ये डीप सी में चले जाते हैं तब ये लाल रंग के हो जाते हैं। ओके, और इसमें जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोरोडियन स्टार्च। ये फ्लोरोडियन स्टार्च भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, और ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सब में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा बाय द फ्रेगमेंटेशन होता है, माइसीलियम के टूटने से ही होता है। ठीक है, एक माइसीलियम है, एक माइसीलियम टूट गया, दो पार्ट्स में अलग हो गया, अब एक माइसीलियम ने एक नया एल्गी बना लिया, तो ये क्या हो गया, आपका फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पे मोनोस्पोर एंड कार्पोस्पोर्स आर द एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जिनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे एडवांस ऊगैमस कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे जो ऊगैमस कंडीशन होती है वो क्या होती है, एडवांस होती है। ऊगैमस मतलब आर्चीगोन, जो आपका यहाँ पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे मेल होगा वो छोटा होगा, राउंडेड होगा, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू द फीमेल। ठीक है, मेल छोटा होता है और फीमेल क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे एडवांस फॉर्म होती है जो आपके क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में नहीं मिलती। तो आप कह सकते हैं कि जो रोडोफाइटा होता है या रोडोफाइसी जो आपकी क्लास है, उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एडवांस फॉर्म का है। अब हम इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दैट इज़ अबाउट द ब्रायोफाइटा।